क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों की। मेदांता अस्पताल की नर्स की हत्या, रेप की आशंका। गोल्ड सिटी के पास भागीरथी एनक्लेव के बेसमेंट में मिली लाश, फटे थे कपड़े। मूसेवाला हत्याकांड में गोरखपुर कनेक्शन, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्ड बराज गैंग को मुंगेर का असलाह पहुंचाता था शशांक। बिजली गिरने से महिला और तीन किसानों की मौत, जल शक्ति मंत्री अस्पताल पहुंचे, एक बेड पर दो दो मरीजों का इलाज मिला। लॉयंस क्लब के चेयरपर्सन जितेंद्र चौहान पहुंचे एटा गृह जनपद में, हुआ जोरदार स्वागत, कहा अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। फतेहपुर में मामूली विवाद में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या, दबंगों के खेत में पाइप लगा हुआ था, पानी का पाइप। गोंडा में सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे पड़े खराब, 57 कैमरों में से 54 कैमरे खराब, तिराहे चौराहे पर लगे सीसीटीवी दे रहे धोखा। चंदौली में फहराए जाएंगे 5.66 लाख तिरंगे, हर घर तिरंगा अभियान के लिए डीएम ने विभागों को दिया टारगेट, सरकारी बसों में भी लगेंगे झंडे। प्रयागराज में माया बिच्छू गैंग का बमबाजी, 22 दिनों की 6 बार हो चुकी है बमबाजी, छात्रों का 5 गैंग का रहवारदात। अयोध्या में दिखाई दिया तेंदुआ, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बच्चों को लेकर एहतियात बरतने की अपील। अंबेडकर नगर में दबंगों ने बंद किया स्कूल का रास्ता, झाड़ियों और गड्ढों से स्कूल पहुंच रहे बच्चे, बच्चों और ग्रामीणों ने रास्ता खोलने की मांग की। फूलन की किडनैपिंग में शामिल डकैत की मौत, सास की बीमारी से परेशान था, सैफई पीजीआई में तोड़ा दम। आगरा में होती है कारगिल शहीदों की पूजा, लायक सिंह की मूर्ति की सुबह शाम होती है आरती, धर्मवीर की मां करती है बेटे की पूजा। प्रयागराज में आकाशीय बिजली से 6 की मौत, मृतकों में 5 महिलाएं शामिल, 11 झुलसे लोगों का चल रहा इलाज। ललितपुर में शताब्दी ट्रेन पर चले पत्थर, एसी कोच का टूटा शीशा, टीसी की सूचना पर आरपीएफ जुटी जांच में, दिल्ली जा रही थी ट्रेन। बारिश होते ही टपकते लगती है स्वास्थ्य केंद्र की छत, पानी पानी हो जाता है पूरा अस्पताल, सालों से दुर्दशा झेल रहे हैं तैनात स्वास्थ्य कर्मी। अगरनाथ मंदिर में शिवरात्रि के लिए सजा मेला, टैटू से लेकर ज्वेलरी कपड़े खिलौने की दुकानें और झूले आकर्षण का केंद्र। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, इटावा में दंपत्ति की मौत, एक महिला घायल, एक बाइक पर सवार थे 4 लोग। भदोई जेल में बंद चिकित्सक को जारी कर दिया गया वेतन, शिकायत के बाद सीएमओ ने दिए जांच के निर्देश, पत्नी से विवाद को लेकर गया था जेल। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर पढ़ी गई नमाज, नमाज पढ़ने और उसी समय कांवड़ियों का भजन करने का वीडियो आया सामने। पैसों के लिए दिव्यांग का बैसाखी डांस, सावन के मेले में नाचा, लोगों ने पैसे दिए तो घंटों दिखाया डांस स्टेप। सवारियों से लूट करने वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा, यात्रियों को लिफ्ट देने के बहाने करते थे लूट, 4 बदमाश गिरफ्तार। गंगा की लहरों पर कारगिल के शहीदों को सलाम, प्रयागराज के संगम पर छात्रों ने बनाया अनोखा सैंड आर्ट, पानी में तैरता दिख रहा टैंक। कांच के टुकड़े पर लेट कर कावड़ यात्रा, हर 20 मिनट पर अर्धनग्न कांच पर लेटते हैं शिव भक्त, शरीर पर एक भी खरोच नहीं। बदायूं में नाक को बचाने कुएं में उतरा युवक, नाक को बाहर निकाल कर पास में छोड़ा। मऊ पहुंचे प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, मेला लगाकर जरूरतमंद को बैंकों से बांटे गए ऋण, सरकारी स्कूल को लिया गोद। रायबरेली हादसे में मां बेटी की मौत, आईटीआई मोड़ पर स्कूटी को तेज ट्रक ने मारी टक्कर, ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागा। सुल्तानपुर में ट्रक ने एआरटीओ के सिपाही ड्राइवर को रौंदा, मौके पर मौत, प्रवर्तन अधिकारी की गाड़ी को भी मारी टक्कर, बलिया हाईवे पर चेकिंग कर रहे थे। मां बाप भतीजी के हत्यारे का कबूलनामा, बोला बड़े भाई को जिम खुलवाया, मुझे बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए इसलिए हथौड़े से मारा।
बाकी बिहारी मंदिर से बाल गोपाल लापता फिरोजाबाद की महिला भक्त के थम नहीं रहे आंसू, अखबार में दिया गुमशुदगी का विज्ञापन। शामली में तेंदुए का कहर, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, 12 से ज्यादा पशुओं को किया घायल, वन विभाग चला रहा सर्च अभियान। अलीगढ़ में पुराने नगरपालिका परिसर में बनी 90 दुकानों को खाली कराने का नोटिस जारी, दुकानदारों ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। बदायूं में हरिद्वार जल भरने जा रहे कांवड़ियों को बंधक बनाकर जमीन जमकर पीटा, कांवड़ियों का आरोप है कि उनसे मोबाइल और रुपए भी लूटे। बलिया में अंधविश्वास के चक्कर में शातिर चोरों ने महिला को लगाया चूना, महिला को अंधविश्वास का झांसा देकर जेवर लेकर हुए रफू चक्कर। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सराहनीय कार्य किया गया, अधिकारियों ने कांवड़ियों का किया स्वागत, कहीं बरसाए फूल तो कहीं बांटे फल और झंडे। गाजीपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कहा लक्ष्मी कमल पर ही वास करती है, साइकिल और हाथी पर कमल का वास नहीं होता। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर की पीट पीट कर हत्या, जमानत पर जेल से छूटकर आया था हिस्ट्री शीटर, पुरानी रंजिश में हत्या का शक। गाजियाबाद में हिंडन चौकी क्षेत्र में करंट लगने से एक कांवड़िया की मौत, फोन चार्ज करते वक्त लगा करंट। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रक में हुई आमने सामने की भिड़ंत, एक महिला की मौत, 6 घायल, घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज रेफर। बुलंदशहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने शिव भक्तों के साथ निकाली तिरंगा यात्रा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। फतेहपुर में खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद, चले लाठी डंडे धारदार हथियार, विवादों में एक युवक की मौत, 6 युवक घायल। गाजियाबाद में जिलाधिकारी ने तिरंगा यात्रा निकालकर एकता का दिया संदेश, मेरठ रोड पर उमड़ा कांवड़ियों का सैलाब। अमेठी में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार युवक को टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बरेली में पाबंदी के बाद भी हुआ बार बालाओं का डांस, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा डांस वायरल। गोंडा में पत्नी से प्रताड़ित होकर युवक ने खाया जहर, मायके में रहकर पति समेत परिवार को मुकदमे में फंसाने की देती थी धमकी। हमीरपुर में घोड़े ने बारातियों की बजाई बैंड, डीजे में नाच रहा घोड़ा, अचानक बहका एक दर्जन से अधिक बारातियों को रौंदा। कानपुर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद, सरेरा बाइक सवार लुटेरों ने व्यापारी से किया लूट का प्रयास, जनता ने एक लुटेरों को पकड़ा। लखनऊ के ठाकुरगंज में चली गोली, जीआरएम लॉन के मालिक के बेटे को मारी गोली, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर पुलिस ने बैटरी चुराने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, दुकान का शटर काट और कार के बैटरी चोरी करने वाले 3 गिरफ्तार। संभल में मक्का को लेकर आपस में खूनी संघर्ष, संघर्ष में आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ, ईडी के खिलाफ सड़क पर कांग्रेसी हिरासत में हरीश रावत। अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची अकबरपुर थाने की पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में एटीएम से कैश चुराने पहुंचा चोर, सीसीटीवी में कैद, कैसे चोरी में असफल होने की तोड़फोड़। गोंडा में सड़क पर दिखा सैकड़ों कांग्रेसियों का उबार, प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही का विरोध, एनएसयूआई ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन, मार्च निकाल रहे छात्र गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटा भगोड़ा घोषित, अश्वा अंसारी और विधायक अब्बास पर एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही, घर पर चस्पा किया सम्मान। औरैया में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, शिक्षकों ने बच्चों को कारगिल विजय के बारे में बताया। बस्ती में कांवड़िया की बाइक फोर लेन की रेलिंग से टकराई, हादसे में एक कांवड़ी की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जलाभिषेक कर वापस लौट रहे थे घर। तमंचा दिखा मांगे मुफ्त में, मोमोज ठेला मालिक से बदमाशों ने की मारपीट, गर्म तेल की कढ़ाई पलटने से दोनों बदमाश हुए घायल। जेल में ही रहेगा मंत्री टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, लखनऊ हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज, चुका रिकॉर्ड ऐसे की रिहा नहीं कर सकते।
पीलीभीत सीएमओ ने फार्मासिस्ट को हड़काते हुए कहा कि जूते से मारूंगा, पीड़ित बोला नौकरी करने आया हूं, जूते खाने नहीं। उन्नाव में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, 24 घंटे में 8 सेंटीमीटर बढ़ी पानी की स्तर, तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को। कानपुर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय सफलता का प्रतीक, शहीदों को याद कर मनाई। वरुण गांधी ने गंगा में मरी मछलियों पर जताई चिंता, कहा 11,000 करोड़ खर्च के बाद प्रदूषण क्यों, मौत पर जवाबदेही किसकी। योगी कैबिनेट में 9 बड़े फैसले, 1.90 करोड़ स्कूली बच्चों को अब ड्रेस के लिए 1200 रुपए मिलेंगे, स्टेशनरी भी मुफ्त। पोषण मिशन की बैठक हुई संपन्न, एनीमिया ग्रसित बालिकाओं को किया जाएगा चिन्हित, डीएम ने कहा उन्हें पोषाहार दवा उपलब्ध कराए। मथुरा में मंचलों ने की छेड़छाड़, स्कूटी पर सवार 3 युवक सरेराह महिलाओं को हाथ मारकर भागे। हाथरस में सभासद दल ने पोस्टर मार्च निकाला, नगर पालिका में भ्रष्टाचार का विरोध, बारात घर का निर्माण पूरा कराने को बीजेपी सभासद सड़क पर उतरे। डीएम और एसएसपी ने शिव मूर्ति पर किया जलाभिषेक, मुजफ्फरनगर में शिवालयों में जलाभिषेक का तस्वीर आई सामने, उमड़ी भीड़। ललितपुर में शिव मंदिर से शिवलिंग हुआ चोरी, जमीन भी तोड़ी गई, पुलिस ने जताई कुएं में फेंक जाने की आशंका। बदायूं में 80 लीटर जहरीली शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, आबकारी टीम ने बिनावर थाना क्षेत्र में चलाया अभियान। अमरोहा के शिवालयों में गूंजा हर हर महादेव, शिवरात्रि पर शिव भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक, मुस्तैद रही पुलिस। बाराबंकी में ड्रेजिंग कार्य के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार, ग्रामीणों ने सूबे के राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा से की शिकायत। आधार कार्ड बनाने के नाम पर धन उगाही पड़ी भारी, औचक निरीक्षण में हुई शिकायत की पुष्टि, जिला प्रबंधक ने किया आधार केंद्र बंद। हाथरस के फर्जी अस्पतालों पर चला डीएम का डंडा, एसडीएम ने सील किए 2 अस्पताल, मरीजों को सीएससी में भर्ती करने के निर्देश। दरोगा पति के बचाव में उतरी पत्नी, पुलिस अधिकारियों से मिलकर मांगी माफी, महिला कांस्टेबल ने बलात्कार का लगाया आरोप। पिछहत्तर जिलों की 75 खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।